कटिहार जिला के स्वच्छताग्रही संघ कटिहार के सैकड़ों सदस्यों ने अपने कई मांगों को लेकर बड़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह राजद नेता नीरज कुमार यादव को एक ज्ञापन सौंपा, जहां इस ज्ञापन में अपनी मांगों को लेकर समस्या के समाधान को लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बात कर समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। आप लोग स्वच्छता कर रहे हैं, किस तरह की मांग है जो आए हैं देने के लिए? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग 5 साल से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, किस फ्री सेवा में कर रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए हम लोग का बनना चाहिए उतना हम लोग को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मान्यता दे और काम के हिसाब से हम लोग को पैसा मिले, इसलिए सर के पास हम लोग आए हुए हैं अपना बात रखने के लिए। चलिए, क्या नाम हुआ? पद परहीन खातून, जिला महिला अध्यक्ष। सर, स्वच्छता ग्रही आपके आवास पर आए हैं, क्या मामला है पूरा? स्वच्छता ग्रही पिछले 5 साल से बिना मजदूरी के काम कर रहे हैं, और अब जब हम लोग विपक्ष में थे तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी या फिर हमको लगता है पार्टी के घोषणा पत्र में भी स्वच्छता ग्रही को मानदेय देने की बात शायद कही, हम देखा नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे इस सरकार से इनके साथ न्यायोचित निर्णय सरकार को करना चाहिए, और हम इन लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, और इनके जो संगठन के साथी हैं उनके साथ उनकी वार्ता भी कराएंगे, तो सरकार देखेगी क्या किया जा सकता है इनके लिए। और दूसरा जो इनका छोटा समस्या है, अभी जो पंचायती राज के द्वारा, जबकि पत्र में उनकी भूमिका नहीं है, जो पहले से स्पष्ट है कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता देना है, और कुछ लोग कहीं कहीं जो बाएं दाएं करने वाले लोग हैं वो फर्जी कहीं कहीं से एनजीओ के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाकर उनका चयन जबरन करवाना चाहते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से भी जिलाधिकारी से आग्रह करेंगे कि आपको ये देखना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं है, ये सरकार लोगों की सुनवाई की सरकार है, ये सरकार कार्रवाई की सरकार है, ये सरकार काम करने वाली है, इसलिए हम मीडिया के साथियों से और हम खुद भी मिलेंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे कि देखेंगे जो कुछ प्रखंडों में कहीं कहीं शिकायतें आई है इक्का दुक्का, कहीं 2 पंचायत में, कहीं 3 पंचायत में, तो उसकी जांच होगी, जिला प्रशासन कराएंगे और जो जस्टिस होगा वही हो। पूरे जिले से स्वच्छता ग्रही आए हैं? हाँ, पूरा जिला से 300 के प्लस हैं ये लोग, और लगभग सभी प्रखंडों के 16 प्रखंड के लोग आए हैं, और हम इनके इस मेहनत को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल असल ये है कि हम सलाम कर दें, इनकी वाहवाही करें, अब बिना मजदूरी का कहें काम करते, ये अव्यवहारिक है, इसलिए सम्मानपूर्वक इनको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, काम मिलना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर।